साहब नो मौका है। अशोक जी गहलोत सीएम है, ये हमारा सपना राजस्थान के लिए, बाकी कोई कोई बात ही नहीं। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की सियासी चौसर में इन दिनों विधायकों को तोड़ने और जोड़ने की गणित परवान चढ़ती जा रही है, लिहाजा इस खतरे की घंटी को भांपते हुए सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब मोर्चा संभाल लिया है। और साथ ही खास बात यह है कि भाजपा के इन मंसूबों पर पानी फेरने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ साझा रणनीति बनानी शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, पूरी खबर को विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की सियासी पारे की तलखी वक्त के साथ परवान चढ़ती जा रही है। इसके पीछे की वजह है 19 जून को होने वाले राज्यसभा के चुनाव। दरअसल प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ की गणित शुरू हो गई है। कुछ निर्दलीय विधायकों का दावा तो यहां तक कहता है कि भाजपा उनको क्रॉस वोटिंग के लिए लोक लुभावने ऑफर तक दे रही है। कुछ विधायकों ने तो ये भी कहा कि दिल्ली से ऑफर है, पैसा लो, इस्तीफा दो। लिहाजा बदलते वक्त की नजाकत को परखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ही कमान संभाल ली, ताकि क्रॉस वोटिंग का खतरा सरकार पर दूर दूर तक ना मंडरा सके। वैसे सूबे के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पहले इस बात का दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत है, विपक्ष बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिशें कर रहा है। वो इस बात को समझता है कि बहुमत किसके पास है। अब बेवजह भ्रम फैलाकर कोई अगर पैदा करना चाहता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुमत इसके पास हम सब जानते हैं, कोई किसी को चिंता की ज़रूरत नहीं है। और पिछली बार जब हम लोग विपक्ष में थे तब कांग्रेस पार्टी ने एक निर्दलीय व्यक्ति को समर्थन किया था, चुनाव हुआ था। इस बार भी भाजपा ने एक और उम्मीदवार खड़ा किया है ताकि चुनाव हो, अनुपोष चुनाव ना हो। लेकिन इस प्रकार भ्रम फैलाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ऐसा मानता हूँ। वहीं दूसरी ओर विधायकों की खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ की सियासी अंकगणित के बीच सूबे की गहलोत सरकार ने डिनर डिप्लोमेसी का नया फॉर्मूला इजाद कर दिया। मुख्यमंत्री निवास पर आज विधायकों की जबरदस्त चहलकदमी देखी गई। और खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री निवास में विधायक गए तो अपनी गाड़ियों से, लेकिन निकले एक साथ लग्जरी बस से। विधायकों को लग्जरी बस से सीधे शिव विलास रिजॉर्ट ले जाया गया। और इस दौरान खास बात ये रही कि विधायकों से बड़ी बस मुख्यमंत्री निवास से पुलिस की गाड़ी स्कॉर्ट करते हुए शिव विलास रिजॉर्ट लेकर गई। मुख्यमंत्री निवास पहुंचे राजेंद्र गुड़ा पत्रकारों से खुलकर मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत के जमकर कसीदे पढ़े और उन पर निश्चल आस्था भी प्रकट की। फोन मेरे पास आया था और वो फोन आया था अशोक जी गहलोत जी का, और कोई फोन नहीं आया बीजेपी से, किसी की तरफ से ना। ना अशोक जी गहलोत के अलावा, गहलोत जी के अलावा कोई फोन नहीं आता मेरे। लेकिन बुड़ा जी यहाँ से सीधे शिवलास भेज रहे हैं 8 दिन के लिए। नहीं, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। मैं तो क्या दूसरे लोगों की रुखाली करने में उसमें लगूंगा ना। अच्छा, बाकी के लोगों को संभालने में तो व्यवस्था में लगूंगा। तो मेरे मेरे हिसाब से तो पढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि हम परसेंट बहुमत से आएंगे और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये अमित शाह ने, इन्होंने, बीजेपी वालों ने जिस तरीके से इस प्रदेश की, देश की राजनीति को बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने मंडी लगा दी। और ये राजस्थान की सेहत के लिए, देश की सेहत के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने किया है प्रदेश में, सतीश पूनिया एंड पार्टी ने, और इन्होंने वहाँ दिल्ली में जो किया है वो, लेकिन इनके इनके मनसूबे पूरे नहीं होने देंगे हम 100%। अरे साहब नो मौका है, अशोक जी गहलोत सीएम है, ये हमारा सपना राजस्थान के लिए, बाकी कोई बात ही नहीं है। नहीं, वो तो मेरी जानकारी के हिसाब से, डांगी साहब आप शायद मुझे जानते नहीं, मैं तो MLA बन के ही मस रहता हूँ, कुछ ज्यादा पार्टी वार्टी से वो नहीं है। बड़े बनने के लिए तैयार हो क्या है पूरी तरह?
नहीं, एक तोलिया है मेरे पास तो, और कुछ नहीं है। सभी जो बसपा से आए एक साथ है आप? 100% बसपा नहीं, एक कांग्रेस के 107 है वो, कि वो निर्दलीय सारे साथ रहेंगे। इतने दिन हो गए अलग अलग रहे, एक साथ रह लेंगे थोड़ा सा मजा आ जाएगा। बाकी क्या, 2-2.5 महीने से सब अलग अलग हो रहे थे, तो मिल लेंगे जुल लेंगे थोड़ा, वो ही बाकी। सुना आपने, विधायक राजेंद्र गुड़ा ने साफ साफ कह दिया कि जो भी सीएम गहलोत के निर्देश होंगे उनकी पालना की जाएगी, और हमारी जिम्मेदारी बाड़े में रहने की नहीं बल्कि पूरे मामले पर पैनी निगाहें बनाए रखने की है। और इस दौरान जब हमने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे अन्य विधायक और मंत्रियों से ऑफ कैमरा बात की कि आखिर उन्हें यहां पर क्यों बुलाया गया और शिव विलास रिजॉर्ट क्यों ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ मालूम नहीं, जो भी निर्देश होंगे उनकी पालना की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सह और मात का खेल शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री निवास पर विधायकों को बुलाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ चहल पहल, जो विधायकों का आना जाना है वो बदस्तूर जारी है यहाँ पर अब। और इसी के साथ साथ जो एक बड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि यहाँ से विधायकों को सीधे शिव विलास रिसोर्ट ले जाया जा रहा है। यहाँ पे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शिव विलास होटल पर विधायकों की बाड़ेबंदी की जाएगी या कुछ होगा, ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रुपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।